वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाओ का इस मॉइस्चराइजर का रिव्यू। सो ये वाओ प्रोडक्ट है, ये है वाओ का स्किन रिवाइव निगेटर मॉइस्चराइजर। इसमें है सिया बटर, कोको बटर और आर्गन ऑयल, बीटरूट एक्सट्रैक्ट इसमें दिया हुआ है जो मेंशन करते हैं। मैं सभी का बेनिफिट्स आपको बताऊंगी बाद में, उससे पहले जान लेते हैं इसका सेल्फ़ लाइफ कितना है। तो इसका सेल्फ लाइफ है 2 ईयर और इसका प्राइस जो MRP प्राइस है वो है 499 रुपीज़, जो कि आपको अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको ऑनलाइन का अक्सर डिस्काउंट मिल ही जाता है। और इसका वॉल्यूम है 300 ml इसका है क्वांटिटी। और इसमें मेंशन किया हुआ है नो मिनरल ऑयल और नो पैराबेन, जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। सो मेड इन इंडिया है, ये है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए और डल स्किन टाइप के लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं बात कर लेती हूँ इसकी पैकेजिंग की। तो बहुत ही प्यारा सा पैकेजिंग है ये, ये गोल्डन सा ऊपर दिया हुआ है, पंप वाले पैकेजिंग में है ये। इसमें लॉक दिया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आप अगर ट्रैवलिंग में यूज करती हैं तो एक लॉक से आराम से इसे खुल जाता है और आराम से लॉक हो जाएगा, जिससे लीक नहीं होगा ट्रैवलिंग में। तो काफ़ी अच्छा इसका पैकेजिंग मुझे लगा। सो इसकी बेनिफिट्स की बात कर लेती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और साथ में मैं बताऊँगी भी कि ये है काम करता भी है कि नहीं काम करता, इसे कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, सारी डिटेल मैं दूँगी। वीडियो को आप एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। और तो इसके बेनिफिट्स की मैं बात करती हूँ, तो इसमें मेंशन किया हुआ है, इसमें है सिया बटर और कोको बटर, जो हमारे स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। सिया बटर का काम है स्किन को सॉफ्ट करना और ग्लोइंग करना, सेम काम है कोको बटर का भी, वही काम है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोको बटर क्या करता है, जो स्किन की इचिंग की प्रॉब्लम होती है, कई बार क्या होता है धूप की वजह से स्किन झुलस जाता है, तो कोको बटर उसको रिपेयर करता है। और यहाँ पे सिया बटर बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है स्किन के लिए। ये हमारी स्किन को ना जो सन की जो किरणें होती है, धूप की जो किरणें होती है, उससे जो भी हार्म पहुँचता है स्किन को, उससे बचाता है सिया बटर। सो इसमें है बीटरूट एक्सट्रैक्ट। सो आप सभी को तो पता ही है कि बीटरूट हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है बीटरूट। फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बीटरूट हमारे स्किन के लिए कैसे काम करता है। सो बीटरूट हमारी स्किन को ग्लो तो करता ही है, साथ में जो स्किन पे दाग धब्बे होते हैं उसे भी दूर करता है। सो अब बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसे हमें यूज करना है दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। आप जब भी इसे यूज करें अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लें अपने फेस को। और तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, डेमो दिखाती हूँ कि कैसे इसे यूज करना है। तो सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लें, उसके बाद हमें यूज करना होगा टोनर। आप कोई भी टोनर यूज कर सकती हैं जो आप यूज करती हो। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ वाओ का लेवेंडर एंड रोज टोनर। सो सबसे पहले इसे अप्लाई कर लेते हैं। इसको ड्राई होने देंगे थोड़ा सा। तो टोनर ड्राई हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। तो टोनर लगाने के बाद इसे अप्लाई करें, तो थोड़ा सा एकदम लेना है, थोड़ा सा क्वांटिटी में लेना है। तो आपने देखा कि इसे यूज कैसे करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। इस तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे बिल्कुल भी ना यूज करें। ये मॉइस्चराइजर है सिर्फ ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, और जिनकी स्किन डल है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये सच में अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन आपको इसकी क्वान्टिटी बहुत थोड़ी सी लेनी होगी। आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप का लगेगा, तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेना है इसका, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है थिक टेक्सचर है। और इसमें आर्गन ऑयल भी है, जो कि आर्गन ऑयल है, सिया बटर है, कोको बटर है, जो कि थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर देता है।
मेरे अकॉर्डिंग ये फेयर मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है। इसे यूज करने के बाद मेरे फेस पे ये 2 से 3 घंटे तक स्टे रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। सो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।